नमस्कार मित्रों, प्रश्न आया है कि हम भारतीयों को 1 जनवरी को नववर्ष उत्सव का पालन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। मेरा मत है कि इस विषय का परीक्षण हमें तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर पहले कर लेना चाहिए। बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, इन एनी केस वी शुड एग्जामिन द इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स। हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वर्ष क्या है, और फिर हम इस प्रश्न पर आएंगे कि नव वर्ष कब से मानना चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अनवरत परिक्रमा कर रही है। इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी जितना समय लेती है उसे सामान्य तौर पर 1 वर्ष के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूर्ण करती है। इसी से हम सामान्य वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और इन 6 घंटों को जमा करते हैं और 4 वर्ष में एक बार वर्ष में एक दिन बढ़ाकर 366 दिन का मानते हैं, जिसे अंग्रेजी में लीप ईयर कहा जाता है। ये 365 दिन 12 भागों में हम विभक्त करते हैं और मानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। यद्यपि 365 दिन को 12 भाग में विभक्त करने के बाद हमारे पास कुछ दिन अतिरिक्त बच जाते हैं, इसीलिए अंग्रेजी वर्ष में कुछ महीने 30 दिन के और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, और जो कम अधिक रहता है वो फरवरी के महीने में एडजस्ट कर लिया जाता है। वैसे जो महीने का कॉन्सेप्ट है ये वर्ष के कॉन्सेप्ट से अलग है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और चंद्रमा का सिर्फ एक भाग सूर्य की तरफ होने से उसके एक भाग से ही हमें प्रकाश मिलता है। चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है कि चंद्रमा का पूरा भाग हमें अनवरत नहीं दिख रहा होता। एक समय आता है जब चंद्रमा का पूरा भाग हमें दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और एक दिन आता है जब चंद्रमा का कोई भी भाग हमें नहीं दिखता, माने उसका अंधकार वाला पक्ष पृथ्वी की ओर हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। और ये क्रम में आता है, इसलिए चंद्रमा हमें घटते बढ़ते आकार में दिखता है। तो मनुष्य ने इसको बड़ा सहज पाया कि चंद्रमा के आकार को देखकर जो समय लगता है उस समय को एक महीना माने, तो कहीं पूर्णिमा से पूर्णिमा और कहीं अमावस्या से अमावस्या को भी एक महीना माना जाता है, उसको हम चांद्रमास कहते हैं। 12 चांद्रमास मिलकर भी करीब करीब एक सौर वर्ष के बराबर होते हैं। वास्तव में सौर वर्ष को 12 भाग में विभाजित करने की जो प्रथा है वो चांद्रमास से ही प्रारंभ हुई। खैर, हम मूल विषय पे आते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्र 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, तो एक वर्ष 365 दिन का हुआ। अब कोई कहीं से भी इस वर्ष को प्रारंभ मान सकता है, किसी भी दिन से, किसी भी स्थान से, क्योंकि एक चक्र है। चक्र का कोई प्रारंभ और कोई अंत तो होता नहीं। कोई कहे मैं यहाँ से नववर्ष मानूंगा, कोई कहे मैं यहाँ से इसकी गणना मानूंगा, कोई कहे यहाँ से गणना मानूंगा, तो कहीं से भी वो गणना मान सकता है, उसमें कोई भूल नहीं है। किंतु विधि ऐसी हो कि जन सामान्य को बिना किसी उपकरण, बिना किसी मशीन के पता चल जाए कि वर्ष बदल गया है, तो वह विधि सबसे तर्कपूर्ण होगी। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखता है, और यह प्रभाव हमें दो प्रकार से दिखता है। एक है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, और दूसरा है दिन और रात की लंबाई, इस पर उसका प्रभाव आता है।
एक समय आता है जब दिन बड़े होने लगते हैं, फिर एक समय आता है जब रातें बड़ी होने लगती हैं, इस बीच में एक समय आता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से जो पाया गया है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष दो दिन ऐसे आते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, और दो दिन ऐसे आते हैं जब दिन और रात की लंबाई में जो अंतर है वो सर्वाधिक होता है। अब क्योंकि ये जो चार दिन है ये डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, इसको अनुभव किया जा सकता है, तो अधिक तर्कपूर्ण होगा कि हम पृथ्वी की सूर्य की इस परिक्रमा यात्रा का प्रारंभ इन चार में से कोई एक दिन करें, क्योंकि बीच का दिन अगर हमने चुना तो सामान्य व्यक्ति को उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, तो हमको पृथ्वी की इस परिक्रमा यात्रा का प्रारंभ कहाँ से चुनना चाहिए, जब दिन रात बराबर होते हैं या जब दोनों के बीच का अंतर अधिक होता है? तो कोई भी किसी भी व्यक्ति से अब पूछेंगे तो वो कहेगा जब दिन रात बराबर होते हैं तब से इस यात्रा का प्रारंभ मानना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रात के बीच का अंतर सर्वाधिक होता है। तो हमको 21 मार्च या 22 सितंबर से इस यात्रा का प्रारंभ मानना चाहिए। अब इन दोनों में से किसको प्रारंभिक दिन मानना अधिक उत्तम होगा, तो इनमें अंतर क्या है इसको हमें समझना होगा। 21 मार्च के बाद दिन बड़े होने लगते हैं और 21 जून को दिन सर्वाधिक लंबे होते हैं, उसके बाद दिन फिर थोड़े थोड़े छोटे होने लगते हैं, और 22 सितंबर को दिन रात बराबर हो जाते हैं, फिर रातें बड़ी होने लगती हैं, 22 दिसंबर को रातें बहुत लंबी हो जाती हैं, उसके बाद रातें फिर छोटी होने लगती हैं, और 21 मार्च को दिन और रात फिर बराबर होते हैं। अर्थात 21 मार्च के बाद दिन बड़े होंगे, 22 सितंबर के बाद रातें बड़ी होंगी। तो किस दिन को पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा का प्रारंभ मानना उचित होगा, क्योंकि दिन से जीवन है, रात्रि को सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, तो 21 मार्च को वर्ष का प्रारंभ मानना ये तर्कपूर्ण होगा। तो हम देखेंगे कि 1 जनवरी के स्थान पर 21 मार्च ये अधिक तर्कपूर्ण है। और भी एक बात है, इस परिक्रमा का जो दूसरा प्रभाव पृथ्वी पर है वो ऋतुओं के रूप में है, और 21 मार्च में वसंत ऋतु आ जाती है। वसंत ऋतु माने जीवन पुनः प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर, ऐसा लगता है चारों ओर पुष्प पल्लवित होते हैं, पेड़ पौधे मुस्कुराते हैं, पूरी प्रकृति हंसती प्रतीत होती है। तो इस दृष्टि से भी तर्कपूर्ण है कि 21 मार्च या मार्च के महीने में इस यात्रा का, पृथ्वी की जो परिक्रमा यात्रा है, इसका प्रारंभ माना जाए और इसको नववर्ष माना जाए। और एक तर्क है, मार्च जो शब्द है ना, इसका अर्थ आगे बढ़ना है। हमने सुना होगा मार्च पास्ट, मार्च फॉरवर्ड, सेना मार्च कर गई, आगे बढ़ गई। और थोड़े आगे जाएं तो अंग्रेजी के महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो चार महीने हैं ये संख्या सूचक महीने हैं। सितंबर माने सातवां महीना, अक्टूबर माने आठवां। कैसे? एक प्राणी है ऑक्टोपस, उसको ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आठ पांव हैं। ऑक्टो माने आठ, अक्टूबर आठवां महीना, नवंबर नवां महीना, दिसंबर डेसिमल सिस्टम, तो डेसिमल सिस्टम माने दशमलव प्रणाली जिसमें दस आधार है, तो दिसंबर दसवां महीना। अगर मार्च को पहला महीना माना जाए तो सितंबर सातवां, अक्टूबर आठवां, नवंबर नवां और दिसंबर दसवां महीना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले मार्च से ही वर्ष प्रारंभ होता रहा होगा। क्यों? एक तर्क और समझ में आता है, अगर मार्च पहला महीना हो तो बारहवां महीना फरवरी होगा। तो ये जो 365 दिन में 30 और 31 के हिसाब से महीनों का वितरण कर दिया गया, तो जो कमी रही वो फरवरी में समायोजित की गई, उसी में एडजस्ट कर ली गई, और जो एक दिन बढ़ता है वो भी फरवरी में एडजस्ट किया, क्योंकि वो अंतिम महीना रहा होगा।
किन्हीं कारणों से एक अतार्किक परंपरा प्रारंभ हो गई कि 1 जनवरी से हम लोगों ने नववर्ष मनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो 1 जनवरी है ये तो तार्किक दृष्टि से कहीं पर भी सही नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि मार्च के महीने में नववर्ष मनाना चाहिए तो किस तिथि को मनाना चाहिए, क्योंकि महीने का कॉन्सेप्ट चंद्रमा की गतिविधि से सहजता से समझ में आता है। इसलिए मार्च के महीने के आसपास जो चंद्रमा का महीना प्रारंभ होता है, जो चांद्रमास प्रारंभ होता है, उस पर नववर्ष मनाना सबसे उत्तम होगा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा तार्किक भी लगता है। तो भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उस दिन नववर्ष मनाया जाता है, और वह तिथि मार्च 21 के निकटतम होती है। तो हमने पाया कि 1 जनवरी किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं है नववर्ष मनाने के लिए। इसके स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारी भारतीय परंपरा है वह तार्किक है। तो मेरा मत है कि हम भारतीयों को अपनी परंपरा जो शुद्ध है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, उस परंपरा का त्याग करके विदेशी परंपरा का अंधानुसरण करते हुए 1 जनवरी को नववर्ष नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की जो विधि है वह भी भारतीय जीवन मूल्यों के साथ तारतम्य नहीं रखती, भारतीय जीवन मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की विधि जो हम देखते हैं वो बड़ी विकृत है। रात को 12 बजे दिन बदल गया ऐसा मानते हैं, भिन्न प्रकार के हुड़दंग करते हैं, कई लोग नशे का सेवन करते हैं, ये क्या नववर्ष के स्वागत करने की सही विधि हो सकती है? ये कोई अच्छा प्रकार है? इसके स्थान पर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ मानते हैं, सूर्योदय के साथ हम वर्ष का दिन का प्रारंभ मानते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की, पूजा पाठ में सात्विक विचार के साथ में नववर्ष का स्वागत करते हैं। किसी का स्वागत करना है काल पुरुष का, तो उसका स्वागत तो सात्विक आनंदमय होना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के साथ काल पुरुष का स्वागत ये किसी भी दृष्टि से अनुशंसनीय नहीं है। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि भारतीयों को 1 जनवरी को नववर्ष प्रारंभ मनाने की जो परंपरा है इसका परित्याग करना चाहिए और अपनी परंपरा, अपनी गौरवशाली परंपरा का पालन करना चाहिए, और इसलिए 1 जनवरी को हम नववर्ष न मनाएं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाएं। यह सब प्रकार से हमारे लिए गौरवशाली होगा। विश्वास है कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी के आकार का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लें, वह नोटिफिकेशन बटन है, तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और भारतीय संस्कृति के विषय में और अन्य विषयों में जो तर्कपूर्ण बातें हैं उसको आप जान पाएंगे, समाज में दूसरों को बता पाएंगे और भारत के गौरवशाली इतिहास को भारत पुनः दोहरा पाएगा, भारत पुनः विश्वगुरु हो पाएगा। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। नमस्कार।